देवेंद्र जी आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि राहुल ने उसका जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा का, अब सोमवार को ये यात्रा महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है, नांदेड़ से यात्रा निकलेगी और 16 दिन ये यात्रा महाराष्ट्र में रहने वाली है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका फायदा वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 तारीख को राहुल गांधी, शरद पवार और ठाकरे परिवार से कोई, यानी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे, सब एक स्टेज पे दिखाई देंगे। तो दोबारा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी अभी भी साथ में है, हम सरकार से दूर चले गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम साथ में आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्या ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि जिसके लिए ये कोशिश की गई वो महाविकास आघाड़ी तो टूटते हुए नजर नहीं आ रही है फिलहाल इस यात्रा के जरिए अगर हम देखें तो। देखिए 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आगे भी चलता रहेगा। इन सब ने मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के कारण जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे वो साथ में आकर सभाएं करते हैं, साथ में आकर बैठकें करते हैं, तो ये सारा इन्होंने ट्राई करके देख लिया। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इन्होंने कई प्रकार की आघाड़ियां बनाई, इन्होंने कई प्रकार के अलायंसेस किए, लेकिन कोई भी अलायंस ये मोदी जी को बीट नहीं कर पाया। देश के आम नागरिक का जो मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उसके कारण ये कितनी भी सभाएं कर ले, कितने भी हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचा ले, इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है। और जहाँ तक MBA का सवाल है, आप रोज स्टेटमेंट तो देख रहे हैं, नाना पटोले का कभी आप देखते हो, कभी अजीत पवार का आप स्टेटमेंट देखते हो, तो MBA कागज पर है, बाकी MBA कहाँ है मुझे पता नहीं है। और मैं आपको बहुत, मतलब जैसा पीयूष जी ने कहा, नॉट विद एरोगेंस, पर वास्तविकता के आधार पर कहता हूँ कि ये सब साथ में भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग मोदी जी के नाम पर ही हमको वोट देने वाले हैं।